आर्टिकल 370 हटे कश्मीर का 18वां दिन है, लेकिन लाल चौक अभी भी संगीनों के साए में है। सड़कों पर ट्रैफिक भले ही दिख रहा हो, लेकिन श्रीनगर के दिल लाल चौक में ही जिंदगी रवानगी पर आ गई हो ऐसा लगता नहीं। प्रशासन भले ही दावा करे कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन खुद लाल चौक का मेन बाजार ही बंद है। दुकानों पर शटर अभी से लटके हैं। 18वें दिन भी कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद हैं। प्रशासन का कहना है कि अभी तक हालात शांतिपूर्ण रहे हैं और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सड़कों पर लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है, हालांकि कुछ टैक्सियां और ऑटो चलते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की हाजिरी बेहतर हुई है। हालांकि स्कूल खुलने के बावजूद अभिभावक अभी भी बच्चों को भेज नहीं रहे हैं। इधर प्रशासन का कहना है कि अलगाववादी नेताओं की ओर से कोई बंद ना बुलाए जाने के बावजूद व्यापारियों ने बाजारों में कामकाज बंद कर रखा है। प्रशासन का दावा है कि लैंडलाइन बहुत जगह बहाल की गई है, लेकिन लाल चौक और प्रेस इनक्लेव जैसे इलाकों में ही लैंडलाइन अभी तक चालू नहीं हुई है। इस बीच राजनीतिक कार्यकर्ता शहला रशीद ने कश्मीर में मानवाधिकारों का मसला एक बार फिर उठाया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जब उनसे सबूत मांगे जाएंगे वो दे देंगी। शहला ने ये भी कहा कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोज इस्तेमाल होने वाले कुकिंग गैस की भी कमी हो रही है। हालांकि जब शहला अपनी बात कह रही थी तब भी उन्हें अपनी बात पूरी करने से रोका जा रहा था। आर्मी को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने दे, मैं दे दूंगी अपना एविडेंस जो मुझे देना है, मैं आपको क्यों दूं? देन आपने नहीं इजाजत है, मोदी जी ने बैन कर दिया ट्वीट करना। मैडम आप मोदी जी के राज में इजाजत नहीं है ट्वीट करने, क्यों नहीं ट्वीट? आपको बिल्कुल आप कश्मीर जाइए, बिल्कुल आजादी है ट्वीट करने की, लेकिन आपको इस चीज की आजादी नहीं है कि आप रूमर मॉन्गरिंग करें। आप मैडम कहीं ना आप कश्मीर जाइए, वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। मैडम लगातार मैडम लगातार मैडम यू कैन होल्ड माय माइक, मैं बोल रहा हूं क्या हो रहा है। मैडम वी आर कॉन्स्टेंटली रिपोर्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड राइट नाउ एट द मोमेंट, बट ग्राउंड पे जाओ, डज नॉट क्वालिफाई फॉर रूमर। इस बीच कश्मीर से हिरासत में लिए हाई प्रोफाइल हस्तियों को हरियाणा के 4 जिलों में शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक करनाल जेल में तो जम्मू कश्मीर से 61 कैदियों को लाया भी जा चुका है, जबकि फरीदाबाद, झज्जर और दुलीना जेल और यमुनानगर जेल में कैदियों को शिफ्ट करना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।